ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं लोनी की, और राहुल गांधी का काफिला सीधा लोनी में प्रवेश कर चुका है। जो आप दूर तक देख रहे हैं जन सैलाब, ये भारत जोड़ो यात्रा में जुटा हुआ है, और तमाम लोगों का काफिला लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, और ये सभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ में जुटे हुए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की गई है, और ये व्यवस्था इस वजह से है कि राहुल के इर्द गिर्द भी कोई आ ना सके। राहुल को एक बड़े घेरे में लिया हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद किए हुए हैं। खुफिया विभाग की बात की जाए, दिल्ली पुलिस की बात की जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए, या आईबी की बात की जाए, तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैं एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दूर तक दिखाएं किस तरीके से पूरी रोड भर गई है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, और न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि खुफिया विभाग सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मी, महिला खुफिया विभाग और तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं राहुल के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं। देखिए तस्वीरें हैं ये लोनी इलाके की, जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा होकर गुजर रही है, जिसके बाद यहाँ से सीधा बागपत रोड में भारत जोड़ो यात्रा पहुँच जाएगी। एक शख्स हमारे साथ हैं, आप बताएं भारत जोड़ो यात्रा में आए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में आए सर जी, वो राजीव गांधी से डायरेक्ट मिला हुआ था, आज उसके लड़के से देखा है, इस यात्रा में सफल रहेगा। धन्यवाद। यात्रा में तो काफी संख्या में लोग पहुंचे, बहुत संख्या में, अनगिन मान गए, अनगिन है इस संख्या में। एक गाना सुना रहे थे आप तिरंगा को लेकर, तिरंगा झंडे के लिए, हिंद सिंह वहाणी वसुंधरा सरायनी धारनी तिरंगा हाथ करती ऐलान है, हिमगिर हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हिंदी हिंदुस्तान मेरा विश्व में महान है, भारतीय संविधान संसद सचिवालय में जनमन गण अधिनायक करता गुणगान है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत राष्ट्रध्वज तिरंगा आन बान शान भारत का संविधान है। रूस अमेरिका और हांगकांग इटली लंदन अफ्रीका चाहे जर्मन जापान है, बांग्लादेश वर्मा रंगून चीन पाकिस्तान हिंदू सिख ईसाई चाहे कोई मुसलमान है, ये हर्ष है, तिरंगे को लेकर गाना सुनाया गया है। जो दूर तक आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या लोगों की संख्या, ये सभी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे थे, और उसके बाद ये काफिला सीधा बागपत के लिए रवाना हो गया है। अपने सहयोगी राम के साथ जितेंद्र भाटी, भारत एक्सप्रेस।